गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और एक बार फिर से जॉर्ज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए अपनी क्लासेस को मैं आगे बढ़ाता हूं बिना आपके हुए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन कौन सी पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। क्या पढ़ेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जितना अरब सागर की नदियों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से प्रश्न पूछा जाता है। और इसकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की संख्याओं से ज्यादा बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? नदियां गिरती। और एक विशेष तौर से यहां से क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ही नदियां हैं दक्षिण भारत की जिनसे उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है और बाकी किसी नदियों के सहायक नदियों से पूछा नहीं जाता है। तो हम एक एक नदी को यहां से उठाएंगे और एक एक नदी को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं, हमने आपको पढ़ाया था हुगली नदी के बारे में। हमने आपको पढ़ाया था, याद होगा, हमने आपको हुगली नदी बताया था। क्या बताया था? हुगली नदी के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर जब पश्चिम बंगाल में आती है तो वह दो वितरिकाओं में विभाजित होती है और एक वितरिका जो होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और आगे कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमारी नदी कौन सी होती है? ये नदी जो हमारी कहलाती है ये हमारी हुगली नदी होती है। क्या होती है? हुगली नदी होती है। ये हो गई हमारी हुगली नदी। समझ में आ रहा क्या हो गई? हुगली नदी हो गई। अब एक प्रश्न यहां पर ये याद रखिएगा कि हुगली नदी किसकी आंसर है, किसका हिस्सा है? यह हमारी गंगा नदी का हिस्सा है। तो पहली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी होगी? हुगली नदी हो जाएगी। कौन सी होगी? अगर पूर्व की ओर से अगर पूछे, क्यों? क्योंकि ये वाली हमारी दिशा कौन सी होती है? पूर्व होती है और ये वाली दिशा हमारी क्या होती है? दक्षिण होती है। तो पूर्व से अगर पूछे कि पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की सबसे प्रथम नदी कौन सी होगी? तो हुगली नदी होगी। हुगली नदी के बारे में हमने एक चीज और बताया था कि हुगली नदी विश्व की विश्वासघात नदी के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? विश्व की विश्वासघात नदी के रूप में जानी जाती है। और क्यों? क्योंकि यह सर्वाधिक मात्रा में बाढ़ ले आती थी। क्या करती थी? सर्वाधिक मात्रा में बाढ़ ले आती थी जिससे पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा जान माल की क्या होती थी? हानि होती थी। और जब भी कोई भी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करके बाढ़ का रूप धारण करती है तो उस बाढ़ की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है और उस नदी को उसका सूख कहा जाता है। तो इसको विश्वासघात कहते थे, इसलिए क्योंकि कब आकर तबाही मचा जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अब इस नदी पर कई सारे बांधों के निर्माण कर दिए गए जिससे इसकी विश्वासघात वाली जो बातें थी वो कम हो चुकी। समझ में? चलो इसी के बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज पढ़ेंगे आज। यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया था, ये झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर हमने आपको एक पठारी क्षेत्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पठारी क्षेत्र पढ़ाया। और इस पठार को हम क्या बोलते हैं? पता है, इस पठार को हम रांची का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? रांची का पठार, रांची का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रांची का पठार बोलते हैं। इसी रांची के पठार से एक नदी निकलती थी जो हमने आपको पढ़ाया था और उस नदी का नाम जानते ही होंगे, दामोदर नदी। क्या? दामोदर नदी। बहुत ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। रांची के पठार से, झारखंड के रांची के पठार से हमारी कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है और ये झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए हुगली के मुहाने पर यह जाकर दामोदर नदी हुगली से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? हुगली से मिल जाती है। और हुगली से मिलकर अपना जल कहां लेकर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब इस नदी का नाम क्या होता है? तो इस नदी का अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम होता है दामोदर होता है, दामोदर नदी होता है। दामोदर नदी की सबसे पहली विशेषता आप ये जान लो कि दामोदर नदी पूर्वोत्तर भारत की ओर, बताया था हमने पढ़ा था तो, कि यह पूर्वी हिस्सा है, पूर्वोत्तर की ओर बहने वाली, यहां से पूर्व से लेके और दक्षिण तक
इन सभी नदियों में अगर मात्र और मात्र एक ही नदी है जो भ्रंश घाटी में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि पूर्वोत्तर की ओर या पूर्व की ओर या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र भ्रंश घाटी की नदी कौन सी है, तो एकमात्र भ्रंश घाटी की नदी हमारी कहलाती है दामोदर नदी कहलाती है। या दामोदर नदी किन्दु पठारी क्षेत्रों के मध्य बहती है, तो नीचे नीचे रांची का पठार था, ऊपर हजारीबाग का पठार। हुगली नदी, दामोदर नदी हुगली की क्या कहलाती है, सहायक कहलाती है। क्या कहलाती है, सहायक कहलाती है। लेकिन अगर प्रश्न कुछ इस तरीके का हो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, प्रश्न हो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, पहला आपको दे देता है दामोदर, दूसरा दे दे हुगली, तीसरा दे दे गोदावरी, और चौथा अगर दे दे इनमें से कोई नहीं, तो अक्सर लड़कों के माइंड में एक ही बात आती है, जानते हो क्या, सीधे सीधे कहते हैं कि किताबों में ये चीजें तो आपको दिखाई नहीं गई हैं, सीधे सीधे लोग ये कह रहे थे अरे यार हुगली तो दामोदर की सहायक तो हो नहीं सकती, हाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने में दामोदर आती है और गोदावरी आती है, हुगली तो आती नहीं है, इनमें से कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, कि बंगाल की खाड़ी में नदियां कौन सी नहीं गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन सर गलत हो जाएगा। जैसे मान लो एक से रुक जाओ, दामोदर हो गया, हुगली हो गया, गोदावरी हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमने कर दें कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है या फिर गिरती है, तो यहां पर एक ऑप्शन हटा के चलो दूसरा ऑप्शन कर देते हैं, यहां पर कर लो डी में ले लो ताप्ती नदी। अब देखें कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित क्या है, तो बंगाल की खाड़ी से संबंधित अगर ये तो सीधे सीधे क्या दिख गया, सीधे सीधे हमारा ये ताप्ती नदी हो जाएगा क्योंकि अरब सागर में गिरती है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर डी की जगह क्या कर दें हम कावेरी नदी को रख दें, अब समझ लो कावेरी नदी को रख दें, तो हमने बताया कि हुगली भी है, हुगली आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर इसी हुगली को हटाकर हम यहां पर क्या कर दें दामोदर नदी करते हैं, अच्छा दामोदर तो लिखा ही गया है, क्या करते या हुगली है तो दामोदर तो लिखा ही गया है, तो दामोदर गोदावरी हुगली और कावेरी हो गए। अब अगर इन चारों में से पूछा जाए कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप क्या करोगे या फिर इसमें से पूछ दे कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अगर नहीं शब्द है तो टिक करेंगे दामोदर नदी। क्यों, क्योंकि दामोदर नदी डायरेक्ट नहीं गिरती है, वो हुगली की सहायक होकर क्या करती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगर पूर्व की ओर से देखा जाए तो पूर्व की ओर से दूसरी हमारी क्या है, दूसरी जो हमारी बहने वाली बंगाल की खाड़ी में है वो है दामोदर नदी। ये भ्रंश घाटी में बहने वाली पूर्व की पूर्वोत्तर की एकमात्र नदी भी है और इसे पश्चिम बंगाल का क्या बोलते हैं, शोक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है, किसको, दामोदर नदी को बोला जाता है। समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ इसी रांची के पठार से एक और नदी निकलती है। क्या निकलती है, इसी रांची के पठार से एक और नदी निकलती है, इसी रांची के पठार से, और वह नदी झारखंड होते हुए या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा पर होते हुए आते हुए ये भी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी, देखो रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी, इसका नाम है क्या होता है, स्वर्ण रेखा नदी होता है, स्वर्ण रेखा नाम होता है, क्या होता है, स्वर्ण रेखा नदी। पूछा गया कई बार कि स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, इसकी इनके कभी राज्य नहीं पूछे जाते हैं कि किन राज्यों में प्रवाहित होती है, ये पूछा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है रांची के पठार से निकलती है। एक विशेषता और होता है कि स्वर्ण रेखा नदी किन दो राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की देखिए सीमा पर बह रही है, तो स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मध्य क्या बनाती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है भैया, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी उड़ीसा में एक पठार पाया जाता है, और उस पठार का नाम जानते हो क्या होता है, उस पठार का नाम होता है क्विंजर का पठार, क्विंजर,
क्विंचर आप देखिए ना, उसपे दिखा दिया जा सकता है क्विं झर पठार, ठीक है। उड़ीसा में एक पठार होता है, क्या होता है, उड़ीसा में एक पठार स्थित है और उसी पठारी क्षेत्र से एक नदी निकलती है और वह नदी उड़ीसा वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए ये भी कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी का नाम जानते हो, इस नदी का नाम आता है बैतरणी नदी। बैतरणी क्या है, बैतरणी नदी होता है, कौन सा होता है, बैतरणी नदी होती है। तो अगर पूछा जाए कि बैतरणी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बैतरणी नदी का उद्गम हमारे उड़ीसा के कुंजर के पठार से होता है। यही प्रश्न पूछ दे कि स्वर्णरेखा नदी का कहां पर होता है, तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम होता है वो हमारे रांची के पठार से होता है और ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मध्य क्या करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। समझ में आ गया, चलो। लेकिन यहां से बस इतना ध्यान रखना कि कौन सी नदी निकलती कहां पे, बाकी हम क्वेश्चन अभी, हां 142 क्वेश्चनों का सेट हमने बनाया है, यार बता दे रहे हैं 142 के साथ 164 में देख लेंगे, 142 या 164 क्वेश्चन हमने नदी के बनाए हैं और शायद इसमें सब मिसलेनियस भी शायद है। ये सारे क्वेश्चन जैसे नदी पढ़ाया वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके पास पहुंच जाएंगे और सारे क्वेश्चनों को बैठकर विधिवत तरीके से अपने कॉपी लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसी वैतरणी वैतरणी के बाद एक और नदी आती है, वैतरणी नदी हो गई और इसी हमारे कहां से पता है, इसी हमारे रांची के पठार से निकलती है एक नदी और ये भी होते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ के होते हुए सीमा पर होते हुए उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए ये भी आकर क्या करती है, इधर आ जाती है। और इस नदी का उद्गम थोड़ा सा इस नदी को और टर्न अराउंड करा दे ताकि अच्छे से बाकी नदियों को दिखा पाए। ये नदी मान लो यहां से ऐसे करके गिर गई और इसको थोड़ा सा मिटा दर से करके यहाँ पे ये नदी ऐसे करके ये यहाँ पर आके गिर गई, ठीक है। हम भी नाम अच्छे से लिखते हैं, टेंशन कोई बात नहीं है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये स्वर्णरेखा नदी का हो गया, ये वैतरणी नदी का हो गया, इसका हम नाम यहाँ लिख देते हैं। तो ये जो नदी आई तो रांची के पठार से फिर स्वर्णरेखा नदी के बाद जो नदी निकली, यह नदी क्या करती है, यह निकलती है झारखंड के रांची के पठार से और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से या झारखंड क्षेत्र से उड़ीसा क्षेत्र में आते हुए ये कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस नदी का नाम जानते हैं क्या होता है, इस नदी का नाम होता है ब्राह्मणी नदी होती है। क्या होती है, ब्राह्मणी नदी होती है। क्या होती है, ब्राह्मणी नदी होती है। बहुत ध्यान से समझो क्या होती है, ब्राह्मणी नदी होती है। तो कौन कौन सी नदियां आ गई, हुगली हो गई, दामोदर हो गई, स्वर्णरेखा होगी, बैतरणी होगी और ब्राह्मणी होगी। लेकिन एक प्रश्न पूछता है, पता है क्या, एक प्रश्न रांची का पठार दे देगा और बोलेगा कि रांची के पठार से किस कौन संबंधित नहीं है। तो अक्सर लोग क्रम सोचने की वजह से कि स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी, तो बैतरणी नदी याद रखना कि रांची के पठार से नहीं निकलती है बल्कि क्विंचर के पठार से निकलती है। हमेशा याद रखना कि बैतरणी नदी, ध्यान से बोलो, सुनो ध्यान से, बैतरणी नदी क्या, बैतरणी नदी जो है वो हमारे क्या, कहां से, वो हमारे कुंजर के पठार से निकलती है, रांची के पठार से बैतरणी नदी नहीं निकलती है। समझ में आ गया। तो अगर एक प्रश्न ऐसे पूछ ले या दूसरा प्रश्न पूछ ले कि रांची के पठार से, देख लो भैया रांची का पठार अगर देखा जाए तो इस पठारी क्षेत्र से तीन नदियां निकलती है। पहला कौन सा निकलता है भैया, दामोदर निकलता है। दामोदर के बाद अगला कौन सा रेखा निकलता है भैया, स्वर्णरेखा निकलता है। उसके बाद कौन सा निकलता है भैया, ब्राह्मणी नदी निकलती है। इन तीनों नदियों का उद्गम कहां से होता है, इन तीनों के तीनों नदियों का उद्गम हमारे रांची के पठार से होता है। इसी तरीके से एक और भाग में स्थित है अमरकंटक पहाड़ी, जहां से दामोदर महानदी भी बनाएंगे, नर्मदा निकली थी, सोन निकली थी और ताप्ती नदी महानदी निकली। कौन कौन से निकलती है, नर्मदा, महानदी और सोन, इन तीनों नदियों का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक पहाड़ी से होता है। उसी तरीके से रांची के पठार से तीनों नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो आगे आते हैं, इतना तो हम लोगों ने कर लिया, अब आ जाओ यहीं पर हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर आपको एक चीज पढ़ा था और उसका नाम था क्या, अमर कंटक पहाड़ी। क्या था, अमर कंटक पहाड़ी था।
और इसी अमरकंटक पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी के हिस्से से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है महानदी। और यह नदी कटक के समीप, किसके कटक के समीप डेल्टा का निर्माण करते हुए ये कहां गिर जाती है, ये नदी हमारे बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है, ठीक है। और महानदी की बात करें तो महानदी एक विशेष नदी के रूप में उड़ीसा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस महानदी के द्वारा उड़ीसा में कई सारे बांधों का भी निर्माण किया गया। जैसे अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा बांध आता है हीराकुंड बांध, अब हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया जानते हैं, तो महानदी पर किया गया। किस पर किया गया भाई, महानदी पर किया गया है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना। और महानदी सिंचाई के मामले में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में योगदान देती है उड़ीसा को, और यह बाढ़ भी हो जाती है। बाढ़ तब होता है जब बाढ़ परिवर्तन होता है, तो महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो अब कंफ्यूज हो गई, इतना कुछ बता दिया, इसमें याद क्या रखना है जिससे हम आसानी से नदी पकड़ पाए। तो स्टेट डज नॉट मैटर, हमें स्टेट नहीं याद करना है, स्टेट हमें याद करना था गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में। इन नदियों में स्टेट मत याद रखना कि कौन सा स्टेट होता है, बस ये याद रखना कि नदियां निकलती कहां से हैं और गिरती कहां पर। तो सिंपल सी भाषा में हुगली को छोड़ दो, एक दामोदर हो गई रांची के पठार से, स्वर्णरेखा हो गई ब्राह्मणी हो गई, ये तीन तो निकलती रांची के पठार से और तीनों गिरती है कहां से, बंगाल की खाड़ी में। इन्हीं के बीच में एक आती है बैतरणी जो उड़ीसा के कुंचर के पठार से निकलती, और एक आती है हमारी महानदी जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब मान लो एक प्रश्न ऐसे बना दे, अभी तक भरा नहीं है, मान लो कि ऑप्शन में दे दिया आपको महानदी, फिर कौन सा है, स्वर्णरेखा दे दे, दामोदर दे दे, या हुगली छोड़ दो कोई और ले लो, बैतरणी दे दे। अब बोले कि इन इन चारों नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण इसमें से कौन सी नदी करती है बताओ, इसमें से महानदी करती है। तो इस तरीके के भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बनते हैं, इसलिए याद रखिएगा हमने अपने डेल्टा का थोड़ा सा फिगर आपको दिखा दिया है। तो महानदी क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है भैया, महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, इस चीज को ध्यान में रखे लेना। चलो आ जाओ आगे बढ़िया तरीके से कुछ और बढ़ते हैं, हो गया। चलो इतने चीजें तो हमने आपको बेहतर तरीके से करा दिया, अब आगे ये कौन सा इलाका है, महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र। याद होगा कि महाराष्ट्र के नासिक में हमने एक आपको पहाड़ी पढ़ाई थी, उस पहाड़ी का नाम क्या था, कलसूबाई। याद है क्या, कलसूबाई था। क्या था भैया, कलसूबाई। और कलसूबाई पहाड़ी में एक स्थान है जिसका नाम होता है त्रियबंक। क्या होता है भैया, त्रियबंक होता है। कलसूबाई पहाड़ी नासिक में है और इसी पहाड़ी क्षेत्र से त्रियबंक नामक स्थान से हमारी गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र होते हुए, ध्यान सुनना, क्या होते हुए, जो महाराष्ट्र होते हुए कहां प्रवेश करती, तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर और यह डेल्टाओं का निर्माण करते हुए कहां गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, क्या करती है, गिर जाती है। फिर से ध्यान से समझ लो, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के कलसूबाई पहाड़ी के त्रियबंग नामक स्थान से निकलती है, जो महाराष्ट्र में मूव करते हुए यानी प्रवाहित होते हुए तेलंगाना पहुंचती है, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर प्रवाहित होते हुए या आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के समीप अपने भालवाओं का जमाव कर डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है। क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी पूरे दक्षिण भारत, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तकलीफ है। गोदावरी नदी ये कौन सी नदी होगी भैया, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की पहली विशेषता देखी जाए तो गोदावरी नदी पूरे दक्षिण भारत की, क्या पूरे दक्षिण भारत की, क्या पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है। और अगर और वो गिरती कहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह सबसे प्राचीनतम नदी भी होने के कारण हम गोदावरी नदी को
वृद्ध नदी के नाम से या बूढ़ी गंगा के या वृद्ध गंगा के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। इन्हें हम क्या बुलाते हैं वृद्ध गंगा भी कहकर बुलाते हैं। एक और नाम उनका होता है इन्हें दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इन्हें दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ठीक है क्यों क्योंकि यह सिंचाई उचाई कृषि के मामले में योगदान देती है। गंगा नदी क्या करती है हमारे क्षेत्रों में कृषि में तो सबसे बड़ा योगदान देती है तो उन्हीं की तुलना इस नदी की तुलना गंगा नदी से कर दी गई है क्योंकि यह गोदावरी दक्षिण भारत की धारा सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अब इसके अलावा सहायक नदियों के बारे में बात करें क्या करें सहायक नदियों के बारे में बात करें जिसकी मुख्य सहायक नदियां में देखोगे अपने को अगर नोट्स में देखना पहली नदी होती है पूर्णा क्या होती है पूर्णा फिर होती है पेनगंगा फिर क्या होती है वर्धा फिर वेनगंगा इधर होता है इंद्रावती फिर क्या होती है इधर यह मिल जाती सबरी नदी पूर्णा वर्धा सॉरी पूर्णा पेनगंगा वर्धा वेनगंगा इंद्रावती और सबरी ये सभी नदियां गोदावरी के उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं ठीक है समझ में आ गया। तो यहां पर लिखना तो बड़ा मुश्किल होगा और लिखने की कोशिश करते हैं ये होती है हमारी कौन सी पूर्णा हो गया पेनगंगा हो गया वर्धा हो गया वेनगंगा हो गया यहां पर क्या हो गया भैया इंद्रावती हो गया सबरी नदी हो गया क्या हो गया सबरी नदी हो गया ठीक है सबरी नदी हो गई। तो ये सारी नदी सारी की सारी नदियां उत्तर की ओर से आकर क्या करती है गोदावरी में मिलती है जबकि इसकी दक्षिण से एकमात्र नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम कहलाता है मंजरी नदी क्या कहलाता है मंजरी नदी कहलाता है। देखना आपके मैप पर बना भी होगा इसे बोलते हैं मंजरी नदी क्या बोलते हैं मंजरी नदी बोला जाता है। तो कौन कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां होंगे पूर्णा हो गया वेनगंगा हो गया वर्धा हो गया पेनगंगा हो गया इंद्रावती सबरी और मंजरी क्या होती है इसकी मुख्य सहायक नदियां होती है क्या होती है भैया इसकी मुख्य सहायक नदियां होती है। इसकी विशेषता क्या बताया कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और यह प्राचीन काल से यह प्राचीन नदी होने के कारण इसे वृद्धगंगा कहा जाता है और इसकी तुलना सिंचाई ऊंचाई के मामले में योगदान देती है इसकी तुलना गंगा से की गई है इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। समझ में आता गया एक मिनट तक नोट करो मैं पानी पी क्या गला सूख रहा होता है एक मिनट करो आप पढ़िए डेल्टा का निर्माण करते हुए यह भी बंगाल की खाड़ी में क्या करती है गिर जाती है क्या करती है गिर जाती है। तो इसका नाम क्या होता है भैया कृष्णा नदी हो जाते हैं क्या होता है भैया कृष्णा नदी हो जाती है ठीक है। इसकी खास विशेषता नहीं बस पूछा जाता है।
अब ये आता है कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होती है। तो इसकी सहायक नदियां होती है, एक आती है भीमा और दूसरा होती है मूसी। पहला कौन सी आती है? पहला होता है भीमा, आप लोग कॉपी पर लिखा भी होगा नोट में, पहला होता है भीमा, दूसरा होता है मूसी। यहां पर होता है पंचगंगा, दूधगंगा, मालघाट, प्रभाघाट और यहां से एक नदी और दिखाई गई होगी, वो होगा तुंग भद्रा होता है। अब देख लो ये कौन कौन सी नदियां थी, हमने यहां पर आपको पढ़ाया था कि पंचगंगा, पंचगंगा दूसरा क्या था भैया हमारा, दूधगंगा, ये क्या था हमारा मालघाट, मालघाट ये था क्या प्रभाघाट, और ये वाली जो नदी थी कौन सी थी तुंगभद्रा, कौन सी थी भैया तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की क्या है सबसे लंबी नदी, तुंगभद्रा क्या है, तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की क्या है सबसे लंबी नदी है। तो कृष्णा नदी में बस इतना याद रखना है कि निकलती कहां से है और गिरती कहां पर है, और गोदावरी कृष्णा इन दोनों का स्टेट जरूर याद कर लेना क्योंकि इनका स्टेट पूछा जाता है। एक बार और बता दें कि गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी कटोरा, चावल का कटोरा बोलते हैं किसको, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा जरूर ऊर्जा का निर्माण होता है और अच्छे खासे मात्रा में डेल्टा होता है, यहाँ पर क्या होता है जमाव होता है मरवाओं का, इसलिए यहाँ की मिट्टियों में क्या होता है चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसे गोदावरी कहा जाता है। पूछा जाए कि भारत में किन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं, तो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? तो इन चीजों को विशेष रूप से अपना क्या करें ध्यान में रखिएगा। चलो इसी के साथ आते हैं फिर से इसी कर्नाटक जिले, कर्नाटक में आपको पता होगा एक होता है कोलार डिस्ट्रिक्ट, कोलार। अभी वो यश राज की, यश की मूवी आई थी साउथ इंडिया में केजीएफ, आपने देखी होगी, जाकर देखिएगा बहुत अच्छी मूवी है कि कैसे हीरे का कितना बड़ा खान होता है, कैसे बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, तो केजीएफ देखिएगा। वही होता है कोलार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक है दुर्ग नंद पहाड़ी है वहां पर, क्या है दुर्ग नंद पहाड़ी, और इन्हीं क्षेत्रों से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि एक एक पूरी नदी का घर से पहुंचो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ताकि फिर हम आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो यहां पर आता है कोलार डिस्ट्रिक्ट आता है, क्या था भैया कोलार डिस्ट्रिक्ट आता है, यहां पर लिख दे छोटा सा करके तब समझ में आए, कोलार क्या था भैया कोलार डिस्ट्रिक्ट आता है, और इसी कोलार डिस्ट्रिक्ट से इसी कोलार डिस्ट्रिक्ट से हमारी एक नदी निकलती है और उस नदी की नाम होती है पेन्नार नदी, और पेन्नार नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए कहां में चलती है बंगाल की खाड़ी में चलती है। इनको बस क्रम में पूछा गया है, तो यहां पर हमारी होती है कृष्णा के बाद सीक्वेंस में आती है कौन से पेन्नार नदी आती है, और इसी कोलार डिस्ट्रिक्ट से इसी नदी पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जो तमिल जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए कहां गिर जाती है जाकर ये भी गिर जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में, और ये हमारी नदी कहलाती है पेन्नार नदी। क्या कहलाती है पेन्नार नदी। क्यों हमने बताया सीक्वेंस में एक बार दिया था गोदावरी कृष्णा पेन्नार और फिर दे दिया था कावेरी, बोला था इनको सीक्वेंस में लगाइए पूर्व से दक्षिण में, तो लोग इस पर कंफ्यूज थे कि भाई यार ये कब आता है, तो याद रखिएगा कि गोदावरी कृष्णा के बाद लोग अक्सर कावेरी आ रखते हैं, लेकिन गोदावरी कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार फिर कावेरी आता है, ठीक है इतना चीजों को अपने ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पेन्नार पेन्नार बस याद रखिएगा कर्नाटक की नंदी दुर्ग पहाड़ी यानी कोलार डिस्ट्रिक्ट से यह नदी निकलती है, ठीक है। इसी के बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक में एक पहाड़ी हमने बताया था आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी, क्या बताया था भैया ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था भैया हमने ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बारे में हमने बताया था, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हमारी नदी निकलती है कावेरी नदी, क्या निकलती है कावेरी नदी निकलती है, और यह तमिलनाडु केरल और कर्नाटक की सीमा पर होते हुए यह तमिलनाडु में प्रवेश करती है और चेन्नई के समीप जाकर यह कहां गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, क्या करती है भैया बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इस नदी का नाम क्या होता है कावेरी होती है। कावेरी की कई सारी विशेषताएं,
सबसे पहले जानो कि कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो कावेरी नदी है यह दक्षिण भारत की क्या है, तीसरी सबसे लंबी नदी। और इसकी एक विशेषता यह है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन इसे दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे अगर भारत जुड़ जाए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसको, वो हो जाएगी हमारी कावेरी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह नदी सिंचाई में बहुत बड़ा योगदान देती है। और वर्ष भर पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें वर्ष भर जल का स्तर एक सामान्य बना रहता है बाकी नदियों की अपेक्षा, तो वो है कावेरी नदी में। इन सभी नदियों में जल सूख जाते हैं, कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन कावेरी नदी में ऐसा नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है क्यों? प्रश्न ये होता है दोस्तों कि जब दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण मानसून जब एंटर करता है, सबसे पहला मानसून एंटर करता है, तो आपको पता ही होगा कि हमने आपको यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं पढ़ा था, उसी नीलगिरी पहाड़ी के समीप से हमारी कावेरी नदी गुजरती है। और जब मानसून 5 जून को केरल की तरफ से एंटर करता है तो सबसे ऊंची पहाड़ी इसको कौन सी मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है। और वहां पर वह मानसून टकराता है, और जितना ही जैसे जितनी ऊंचाई मानसून स्पर्श करके टकराएगा उतनी गंभीर वर्षा कराता है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कराता है और सारा का सारा जल उड़ेल कर कहाँ चले जाते हैं, कावेरी नदी में चले जाते हैं। इसीलिए कावेरी नदी से जल का स्तर हमेशा बना रहता है, तो सिंचाई भी अच्छी खासी होती होगी, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इस बात का देखिएगा। दूसरी चीज कि कावेरी नदी देखा जाए तो इसकी सहायक नदियों में देखा जाए तो बहुत सारी, पहला आता है हेमावती, उसमें बनाया नहीं जा सकता है, बहुत टफ है, हेमावती, लोकावती, अकरावती, भवानी, कबीनी, ये इसकी मुख्य रूप से क्या है, हमारी कावेरी नदी की क्या है, सहायक नदियां। क्या है हमारी कावेरी नदी की क्या है, मुख्य रूप से सहायक नदियां होती हैं। कौन सी होती है? हेमावती, लोकावती, अकरावती, भवानी और कबीनी हमारी कावेरी की क्या बन जाती है, मुख्य सहायक नदियां बन जाती है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसी के बाद दो और मुख्य नदियां, आप यहां पर जरा बताओ यहां पर कौन सा क्षेत्र हमने बताया था, यहां पर पाक स्ट्रेट था, पीए की क्या था, पाक स्ट्रेट था, पाक की खाड़ी थी, पाक जल संधि। और इन्हीं क्षेत्रों से अन्नामलाई पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में करके गिर जाती है, और इस नदी को हम वैंगाई नदी बोलते हैं, वैंगाई नदी बोला जाता है। तो कावेरी के बाद अगर क्रम पूछे तो कौन सी आती, वैंगाई आएगी। और ठीक इसी के बाद एक और नदी निकलती है, वो भी जाकर ऐसे गिर जाती है, और उस नदी को हम बोलते हैं ताम्रपाड़ी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ताम्रपाड़ी नदी बोलते हैं, ताम्रपाड़ी नदी होती है। क्या होती है? ताम्रपाड़ी नदी होती है। फिर से देख लो कौन सी होती है, ये अन्नामलाई पहाड़ी पढ़ा था ना, उन्हीं क्षेत्रों से निकलती है, तो पहला वैंगाई और ताम्रपाड़ी नदियां होती हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखे रहना। एक चीज देख लो ध्यान से कि वैंगाई गिरती है पाक स्टेट में, लेकिन ताम्रपाड़ी गिरती है कहां पर, अमरनाथ की खाड़ी में। पूछा गया प्रश्न है, वही प्रश्न हम देखें एक बार कि क्या था प्रश्न, तो देख ले प्रश्न, ये अमरनाथ की खाड़ी में पूछा गया प्रश्न में था कि ताम्रपाड़ी नदी कहां गिरती है, तो याद रखना कि ताम्रपाड़ी नदी गिरती है मन्नार की खाड़ी में। कहां गिरती है? ताम्रपाड़ी नदी गिरती है मन्नार की खाड़ी में गिरती है। क्या गिरती है भैया? मन्नार की खाड़ी में गिरती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा? वेरी गुड। तो इस चीज को बेहतर रूप से अपनी तैयारी कर लेना। देखो क्रम में क्या रहा, ये पूर्व रहा और ये दक्षिण रहा, तो हमेशा क्रम लगाने के लिए देगा पूर्व से, तो पहला आता है हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पेल्लार, कावेरी, वैंगाई और ताम्रपाड़ी, ये सभी की सभी नदियां पूर्व से दक्षिण कहले या दक्षिण से पूर्व कहले के रूप में क्रम में पूछे जाते हैं। इनके मुख्य रूप से सहायक नदियों के गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के नाम सहायक नदियों की याद रखिएगा, उनके स्टेट्स वक्त याद रखिएगा, तो ये सारी चीजें आपको नदियां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज नदी पढ़ लीजिए, कल नदी के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको हम भेज देंगे।
पीडीएफ के थ्रू उसकी सॉल्यूशन भी आपको हम करा देंगे, ठीक है। तो नदी आज हमारा जो भी संपूर्ण नदियां थी वो समाप्त हो गई। कल हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, और जैसे ही परियोजना खत्म हो जाएगा कुछ मुख्य विशेष कुछ बातों को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, बाकी मुलाकात फिर हमारे आपके कल लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।